हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। दिखाते हैं आज आपको क्या दिखाते हैं। देहरादून भी घूम गए, मोमो भी खा लिया है और आपने कमेंट में बता भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। क्या है दिखाता हूँ गाइस, उसका नाम है गेठी। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने गेठी भी भेजी हमारे लिए। और वैसे आज सब्जी तो हमारी बहुत लगी है। यहाँ जब से मैं घर आया तो कम से कम 40 से 50 लोगों की लगी हमारे। हमने खाए, कुछ अगल बगल पड़ोसियों सबको दे दी हमने। जितने थे, जितने जानने वाले थे, हमने वो लोगों को दिए। तो लोगों ने देखा है कि गाइस, आज मैं माइक लगा के एडिटिंग कर रहा हूँ। आप बताना कि आवाज कैसी आ रही है, पहले से अच्छी है। कॉमेंट करके जरूर बताना आवाज, खासकर माइक की आवाज में फर्क है कि नहीं है। बोल तो मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, लेकिन क्या आवाज आपको कैसी लग रही है माइक में, प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। और क्रिस जा रखा है स्कूल, उसको लेने जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो गाइस, आज मैंने लैपटॉप खोला भी नहीं, सुबह से काम कर रहा था। मैं जा रखा था कहीं, वो सरप्राइज है, वो नहीं बताऊंगा। और ये लैपटॉप को ऑन कर देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि और क्या आ रखा है। ये देखो गाइस, मक्की आ रखी है। ये हमने क्या किया, बॉईल कर रखी है। इस पे कुकर पे 4-5 सीटी मारी। और गाइस बताता हूँ मैं, सबसे बढ़िया सिलवट्टे का नमक। देखो, नमक, मिर्च, हरा धनिया और क्या बोलते हैं, बंजीरा और पता नहीं क्या और क्या क्या है, पर खुशबू बहुत आ रही है। खाने में इतना स्वाद है ना, क्या बताएं। अब मैंने इस पे लगा दिया है नींबू और नमक, और इतना टेस्टी हो रहा है ना खाने में। बॉईल करके इसको भून के भी खाते हैं और बॉईल करके भी खाते हैं। लाइट टेस्टी हो रहा पुट्टा। तो दोस्तों, मैं कर रहा हूं यहाँ पर काम लैपटॉप पे, साथ साथ इसकी नानी ने जो मक्की दे रखी है उसको भी खा रहा हूं। मेरे को बताना टाइम होने वाला है, फिर इसका भी लेने भी जाना है। अभी आप सोच रहे हैं ये तो खा रहा है, उनको दिखा रहा है। तो वैसे कमेंट में बताना किस किस को भुट्टे चाहिए। हमारे पास बहुत भुट्टे आ रखे हैं, तो मैं जो नजदीकी हूँ उनको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जरूर बताना। आज जो है मैं कर रहा हूँ पैकिंग। अब ड्यूटी जाने की तैयारी करते हैं, चलते हैं ड्यूटी। अब कुछ दिनों के बाद आपको ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्रिस की पढ़ाई चल रही है। तो गाइस, मैंने वैसे पहले का कुछ सामान रख दिया था, लेकिन अब दोबारा एक बार भी चेक करना जरूरी है। जाने से पहले मैंने पूरा सामान रखा कि नहीं रखा है, तो जवान का था यार। चलो देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है मैंने। और मेरे को चाहिए फोटोस, तेरा होगा। भाई चेक करना जरूरी है सामान पूरा है कि नहीं, चेक करना बहुत ही जरूरी है। ये हो गए डॉक्यूमेंट, इनको भी रख दिया है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कर दी है पैकिंग और मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए। और ये हो गया है बैग बंद। और गाइस, कुछ सामान मेरा इसमें रखा हुआ है जो सामान आया नहीं, तो मेरे पास जान ले जाने के लिए एक बैग ये, और ये हमारा माउंटेन वाला छोटा सा स्लीपिंग बैग, इसको भी कैरी करेंगे क्योंकि वहां ठंडा ज्यादा है, वहां बर्फ भी पड़ती है। वैसे आजकल तो वहां बारिश हो रही होगी। तो फाइनली गाइस, मैंने पैकिंग कर दी है और बैग रख दिया है, दो बैग और एक ही है मेरे ले जाने लायक। तीन बैग हो रहे हैं मेरे पास, देखते हैं। सुन रहे हो आप मुझे? अच्छा, बहुत बढ़िया बात, देख रहे होंगे ना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस,
तो गाइस यहाँ पर फाइनली हो गई है मेरी पैकिंग, जाने के लिए रेडी। 2-3 दिन में चले जाऊंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइड में वहीं देखता हूँ, मुझे देखता है कि नहीं। फाइनली गाइस ये देखो आ रहा है, लुक के आ रहा है। देखो आ रहा है। तो गाइस ये आ गया है, मैं लुका हुआ था, इसने मेरे को ढूंढ खोज के बाइक में बैठा और चलाने लगी है। और नहीं बनी नहीं गाइस, हम पहुंचने वाले हैं घर। और ये क्या कर रहा है, इसका जूते गले से खुल गया शायद। और गाइस यहाँ पर कम से कम 6 स्कूल हैं, 6 स्कूलों की छुट्टी एक साथ होती है, तो यहाँ गाड़ियाँ निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज बिल्कुल खाली है, देख लो आज हम ब्लॉग में दिखा रहे हैं तो आज बिल्कुल खाली है। क्रिस स्कूल लगा रहा है बाइक, इसको पता नहीं क्या शौक है बाइक चलाने का। एक बार में लगती नहीं है, दो बार में लगानी पड़ती है। और गाइस मैं एक पौधा लाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कली खिल गई। ये पालक का पौधा है, जैसे पालक की सब्जी होती है ना, ऐसी इसकी बेल होती है, फर्स्ट क्लास सब्जी होती है इसकी। तो मैंने ये बेल लगा दी है, अभी एक हफ्ते में ये बेल इतनी बड़ी हो गई है। पर लग चुका है हमारा खाना, फिर देखो हम फिर वही ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं, हम चौपड़ी मार के। ये देखो हम चौपड़ी मार के ही खाना पसंद करते हैं। ये है गाइस, मैं पी रहा हूँ अभी चाय। ये देखो ओट्स का बिस्किट खा रहा हूँ मैं अभी, अच्छा बिस्किट है, ये दिल्ली से लाए थे, क्रिस के मामा ने दिया था अपने भांजे के लिए। हम भी खा लेते हैं, चाय में डूबे के खाते हैं बिस्किट। तो दोस्तों ये हम पी रहे हैं समय चाय, और चाय वही ज़्यादा मीठी, क्योंकि मिठ कम खाई से उन्होंने। गाइस पिछले बटे गांव भी आना, ये देखा था मुंड पर है, जबकि गांव असली पर, लेकिन गांव आना लगी, लास्ट किरण होती है ना जो पड़ जाती है। मेरा जो है 100% नेट पूरा ख़त्म हो गया है, मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया था वाईफाई, और कॉपीराइट आ गया है, जो कल मैंने वीडियो डाल रहा था उस पर कॉपीराइट आ गया है। क्रिश ने उसमें क्या है म्यूजिक डाला, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम दिखा रहा है, तो मैं उसको हटा रहा था, तो हटा तो दिया पर, लेकिन उसमें अब पूरा नेट ख़त्म हो गया, अब कुछ भी काम नहीं होगा। आज का मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और देखो बादल भी आ रखे हैं, बारिश होने वाली है शायद, ऐसा लग रहा है। और गाइस अभी हमने पी है चाय, और मैं आ रखा हूँ अभी छत पे घूमने के लिए। क्रिस अभी ट्यूशन जा रखा है, आया है नहीं। गाइस धूप देखो कितनी तेज़ लगी हुई है अभी तक, रात होने वाली है, और मैं आ रखा हूँ छत पे। और यहाँ देखो भयंकर बारिश आने वाली है, मौसम देख लो कितना काला हो रखा है। भाई देखो क्रिस भी ऊपर छत में चढ़ा हुआ है, वो देखो छत पे बैठ गया वो, कि पापा यहाँ पर वीडियो में मेरे को शूट ना कर दें कहीं। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, देखो गाइस ये रानी पोखरी की तरफ कितना काला हो रखा है मौसम। यहाँ शायद बारिश हो रही होगी रानी पोखरी में, अभी यहाँ बहने वाला में अभी बारिश नहीं हुई। ओ और देखो गाइस ये है जंगल की तरफ जहाँ केशवानंद रहता है, उस तरफ भी बारिश हो रही है शायद। अभी लाइटें खुल चुकी हैं, लोगों की रात हो गया है, अंधेरा हो गया। अभी हमने मंदिर पे जाना है, मंगलवार है, क्रिस डेली जाता है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए। वो चल रहा है काम, देख सकते हो आप, इन्होंने यहाँ पर प्लास्टर किया है पर, लेकिन क्या अभी ये ढक रहे हैं उसको, क्योंकि बारिश का मौसम देखो क्या काला हो गया। ये देखो बिजली भी चमक रही है, आपको बिजली दिखाई दे रही होगी। और ये देखो क्रिस देखो ऊपर छत में। गाइस ये है मसूरी वाली साइड है ये पूरा, वहाँ भी बारिश हो रही है। तो गाइस ये है छत से व्यू जो आप देख सकते हो, नेचुरल व्यू। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंडिंग करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। निकाल रही है।